है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम बहुत ब्यूटीफुल फैंसी और क्रिएटिव मेहंदी के डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। जो जिन्हें स्टाइलिश मेहंदी की डिज़ाइन पसंद होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा गाइस, और कमेंट में एंड में ज़रूर से शेयर करेगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। एज यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो है वो कर्व्स लिए है, और ये कर्व्स में हम बॉर्डर लाइन भी क्रिएट करेंगे और हमें इसे बोल्ड भी करना है। तो यहाँ पे आपको शार्प एजेस की तरीके से शार्प लाइन को क्रिएट करना है इस तरीके से। कंप्लीट 4 लाइंस मैंने यहाँ पे जो है वो क्रिएट किए इस तरीके से कर्व्ड वे में। अब जो सबसे सेंटर वाली है उसे हम प्रेस करते हुए इस तरीके से कर लेंगे बोल्ड। बोल करने के बाद हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। और अब जो टॉप वाला एरिया था वहाँ पे हम छोटे छोटे से जो डॉट्स क्रिएट करेंगे, डॉट्स की हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब पूरे डिज़ाइन में हम्स क्रिएट करेंगे हम बॉर्डर लाइन की तरफ हमारे। हम्स क्रिएट हो जाने के बाद गाइज, हम यहाँ पे एक इस तरीके से शेप्स को क्रिएट करेंगे। थोड़ी सी गाइडलाइन को हम अच्छे से शार्प कर देंगे। अब हम लाइंस को, हमने जिस तरीके से हमने कर्व लाइंस को किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी लाइंस को क्रिएट करना है। तो डायरेक्टली भी हमें बोल्ड लाइन को क्रिएट नहीं करना है, हमेशा हमें बोल्ड लाइन को जो है वो इस तरीके से दो थिन लाइन के साथ ही क्रिएट करना है। तो उसकी फिनिशिंग है जो अच्छी लगती है। यू कैन सी एवरी वन, अब मैंने हमने फोर्थ वाली लाइन क्रिएट कर दी थी, अब मैं हम्स क्रिएट कर रही हूँ, लाइन को बोल्ड भी कर चुकी हूँ। अब हमारे थंब की तरफ मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ छोटी सी बॉर्डर लाइन, बहुत ब्यूटीफुल लगती है इस तरीके से थंब्स की डिज़ाइन। एंड बॉर्डर लाइन क्रिएट करने के बाद गाइज, हम सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी चेक्स को क्रिएट करेंगे इस तरीके से। हमें बोल्ड वाले चेक्स को क्रिएट करने हैं गाइस। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग क्रिएट करनी हो तो आप, मैंने जैसे बताया आपको दो थिन लाइन के साथ आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे इस चीज़ की हैबिट क्रिएट करने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्टली क्रिएट कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से सारे बोल्ड वाले जो है आपको स्क्वायर्स को क्रिएट कर देने हैं। अब हम इनसाइड जो है वो हमारी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाली ग्रिड को क्रिएट कर रही हूँ जो बहुत सिंपल और एलिगेंट नज़र आती है। यू कैन सी, सिर्फ हमें स्ट्रोक्स को क्रिएट करना है और हमारी डिज़ाइन जो बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें सेंटर में सारों में मैंने कर दिए है डॉट्स, और अब यहाँ पे बॉर्डर लाइन क्रिएट करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे सिंपली मैं हमारी बोर्ड लाइन वाली बॉर्डर लाइन को ही क्रिएट कर रही हूँ। बॉर्डर लाइन क्रिएट करने के बाद बाहर की तरफ भी हम एक और लाइन क्रिएट करके हम्स क्रिएट कर देंगे, और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब यहाँ पे जो हथेली की डिज़ाइन है वो हीरो एलिमेंट है, तो बहुत ब्यूटीफुली हम लीव्स के साथ क्रिएट करेंगे गाइस। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बड़े वाले लीव्स क्रिएट कर रही हूँ, और इनसाइड एक स्पाइरल लेते हुए मैं छोटा सा फ्लावर क्रिएट करूँगी। सो फ्लावर मैं कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। और हमारा जो लीव्स है उसे मैं फिल कर रही हूँ यहाँ पे। इनसाइड भी हम और ज़्यादा लीव्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक कर्व लिया इनसाइड मैंने, और इस तरीके से डॉट्स लेते हुए एक डिज़ाइन को क्रिएट किया। इस तरीके की डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव लगती है, थोड़ी सी डिज़ाइनर होती है इसलिए थोड़ी सी स्पेस भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे बोर्ड वाला फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ मैं। गाइस, अगर आप चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे छोटे से और भी एलिमेंट जो आपको अच्छे लगते हो आप वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आएंगे। आप देख ही सकते हो कि ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मैंने यहाँ पे वापस से लीव्स एक्सटेंड किया,
बड़ी छोटी साइज आपको मिक्स करते हुए आपको यहाँ पे जो है वो लीव्स क्रिएट करने हैं, डेकोरेटिव एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ये हमने हमारा बोल फ्लावर हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में यहाँ पे क्रिएट किए हैं और इसी के साथ हमारी डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड देन हम यहाँ पे वापस से कर्व्ड एलिमेंट लेंगे, जैसे स्टार्टिंग में बनाई थी उसी तरीके से यहाँ पे मैंने बॉर्डर लाइन को बना दिया है। साथ में हम हम्स को भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। हम्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल शार्पन आपको क्रिएट करना है गाइस। अब जो हमने हथेली पे जो ये एलिमेंट्स बनाए हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइनर है, थोड़ी सी इसमें स्पेस है, तो अब हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे कोई फिलर एलिमेंट को यूज़ करें। तो अब हम हमारे डिज़ाइन में ऐड करने वाले फिलर एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपकी यही खाली वाला स्पेस बनाए अपने डिज़ाइन में, तो उसके बाद आपको फिलर एलिमेंट लेने ताकि वो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन भी बैलेंस हो जाए और बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ाइन छोटी छोटी ना नज़र आए। तो यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से फिलर एलिमेंट फिल कर चुकी हूँ, आप अगर चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी क्रिएट कर सकते हो। देन वापस से मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ लीव्स वाली बॉर्डर लाइन। जितनी बॉर्डर लाइन आप यूज़ करोगे आपकी डिज़ाइन उतनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आएगी गाइज। तो यू कैन सी लास्टली बॉर्डर लाइन के बाद मैं यहाँ पे फिंगर्स में इस तरीके से फिलर एलिमेंट फिल कर रही हूँ और बची हुई जो स्पेस है वहाँ पे अगेन बॉर्डर लाइन फिल करेंगे ताकि हमारी डिज़ाइन जो फिंगर की तरफ से है वो थोड़ी सी हैवी नज़र आए। इसी तरीके से हम सारी जो फिंगर है उसमें भी हमारे डिज़ाइन को बना लेंगे। और गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद कैसी नज़र आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव एलिगेंट डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को ज़रूर से आप ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।